बिरयानी तो मेरी बहुत फेवरेट है, पर मशरूम बिरयानी की बात ही कुछ अलग है। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। मैंने 1.5 कप चावल ले लिया है और उसे अच्छे से 2 बार धो लिया है। इसमें फिर मैंने 1 चम्मच घी का डालकर आप इसे आधा घंटा रख दें। इससे चावल में अच्छे से घी का फ्लेवर भी आ जाएगा और चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। मैंने 250 ग्राम यहाँ पर मशरूम लिया है, जिसे मैंने धोकर पोंछ लिया है और फिर इसे 1/4 शेप में काट लिया है। मशरूम को पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए लिया है मैंने 1 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 लहसुन, 1 कटोरी धनिया पत्ती और 1 कटोरी पुदीना की पत्ती। मैंने सारी चीजों को मिक्सर में डाल दिया है और 1 चम्मच पानी के साथ इसे फाइन पेस्ट बना लिया है। जो कटे हुए मशरूम हमने रखे हुए थे उसमें मैंने ये ग्रीन पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डालने के साथ ही मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच दही के डाल दिए हैं। अगर आपके पास दही है जो काफी पतला है तो आप उसका पानी निकाल कर उसे छान कर फिर ये डालें। दही डालने के साथ ही मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सब मसाले, दही और जो ग्रीन चटनी हमने बनाई है उसे मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स करें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। खड़े मसाले में लिया है मैंने 1 तेज पत्ता, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, थोड़ा सा जावित्री, जावित्री अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, 2 इलायची और 4 लौंग। तड़के के लिए लिया है मैंने 2 मीडियम प्याज और 2 मीडियम टमाटर। प्याज को मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है और टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें डालें 3 से 4 चम्मच तेल के। तेल जब गर्म हो जाए तब उसमें आप पहले डालें तेज पत्ता और फिर डाल दें सारे खड़े मसाले। मसाले डालकर आप इसे 1 मिनट तक चला लें ताकि तेल में मसाले का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। ये देखिए 1 मिनट हमने मसाला चला लिया है और इसमें आप फिर डाल दें फाइन चॉप प्याज। प्याज को आप थोड़ा ब्राउन होने तक पका लें। ये देखिए प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो चुका है हमारा। अब इसमें मैंने डाल दिया है कटे हुए टमाटर और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। इसे पकाने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे और ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब जो मशरूम हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इससे तेल और पानी ना अलग हो जाए। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इससे तेल और पानी अलग हो गया है। ये देखिए मशरूम से तेल अलग हो गया है। फिर मैंने जिस बर्तन में मशरूम मैरिनेट किया था उसमें 1 चम्मच पानी डालकर वो पानी डाल दिया है और फिर 3 कप गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि 1.5 कप चावल के लिए यहाँ पर डबल 3 कप पानी डाला है मैंने। और फिर नमक डाल दिया है और नमक डालने के साथ ही मैंने चावल डाल दिया है। अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 कप पानी लग सकता है और फिर चावल डाल के आप इसे ज़्यादा ना मिक्स करें, इससे चावल टूट सकते हैं। लो से मीडियम फ्लेम में आप इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएं। मुझे इसे पकाने के लिए 17 मिनट लगे और अब ये देखिए मशरूम बिरयानी गर्मा गर्म रेडी है। आप इसे किसी मिर्ची का सालन या फिर रायते के साथ गर्मा गर्म परोसें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।